तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ है नींबू, यहाँ है नींबू। अरे ये नींबू नहीं, जो गोनी में लाए थे वो कहाँ है? हाँ वो है, रखे है, लेकिन तुम पैसे लाए हो? पाटिल बिच्छू मुंह नाउ। नहीं फिर रुको, लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे लेकिन मैंने किया क्या है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। पुलिस स्टेशन? हाँ पुलिस स्टेशन। कौन हो आप? हम कौन हैं? हम कौन हैं पूछ रहे हैं? हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। चालू पांडे जी, आखिरकार आपने गुड्डू खटिया को पकड़ ही लिया। यस, भले भिड़े नाम तुम्हारा है, लेकिन मुजरिमों से भिड़ने के लिए इंस्पेक्टर चालू पांडे हमेशा तैयार रहता है। बरोबर है, बरोबर है। बड़े मास्टर, गोकुलधाम वालों से जाकर कह देना कि ये केस गोकुलधाम वालों ने नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने सॉल्व किया है। हाँ हाँ, पक्का पक्का बोल दूंगा। हाँ, तुम वो सवेरे सवेरे अपने सोसाइटी में सुविचार लिखते हो ना, वहां पर लिख देना कि दिस केस इज बीन सॉल्व बाय इंस्पेक्टर चालू पांडे। हाँ एकदम ठड़क अक्षरात ली तो। ठड़क 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 क्या? आ, मतलब बोल्ड लेटर में लिखूंगा। गुड, कम ऑन, मूव मूव मूव। मैंने कुछ नहीं। अरे जाओ जाओ जाओ, और कहिए। अरे फिरो, ओ मुबारका, ओए हमने जमाखोर गुड्डू खटीला को पकड़वा दिया। मुसीबत तो टली, लेकिन ये मुसीबत अभी भी सर पे बाकी है। इतने सारे नींबू कहाँ और कैसे बेचूं? पिड़ू तू ठंड रख यार, वो घर चलते और लस्सी वस्सी पीते और ठंडे दिमाग से सोचते कि इतने सारे नींबू किसको और कैसे बेच रहे। तू ऐ फट ते चल। सॉरी क्या कर रहा है तू? सॉरी बहन जी, सॉरी लगी तो नहीं लगी। अरे देवा बहन जी, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ ना हमारे सोसाइटी चलिए, वहाँ पे डॉक्टर आती है, वो आपका इलाज कर देंगे। हाँ वैसे बहन जी कितने लगी है? दिल पे लगी। जो धोखेबाजी तुम लोगों ने की है ना, वो सीधी दिल पे लगी है। ये तो आदमी की आवाज है ना? हाँ। ओ एक सेकेंड, और तुसी हो कौन और हमने क्या धोखेबाजी की आपसे? मेरा नाम है गुड्डू खटीला। गुड्डू खटीला, 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 खटीला। ए गुड्डू खटीला, तो फिर वो कौन सी? अच्छा हुआ, चेक करने के लिए पहले मैंने अपने बंदे को भेज दिया, वरना उसकी जगह पे मुझे पुलिस लेके चली जाती। याने तुम आप साड़ी पहन के बेवकूफ बना रहे थे सबको। अरे क्या करे सेठ, अपना धंधा ही ऐसा है, सब करना पड़ता है। मतलब खुद को बचाने के लिए अपने ही आदमी की कुर्बानी दे दी? अभी जिंदगी के बिसात में बादशाह को बचाने के लिए पैदों को कुर्बानी देनी पड़ती है। हा? और वैसे भी जब पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर को पता चल जाएगा कि ये गुड्डू खटीला नहीं है, तो वो खुद ब खुद छूट जाएगा से। ओए लेकिन आज ये तेरे गाल पे सोडी का हाथ पड़ेगा ना,
तो खुद कुर्बान हो जाएगा। अच्छा तू खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता है, रुक तेरे को दिखाता हूँ। दिखा। अब बता मारेगा मेरे को? ये मारना मार? नहीं छोड़ी नहीं नहीं भैया। डर गया क्या? छोड़ी नहीं मारना ये मारना। डर रहा है? मार 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 मार। डर रहा है? मारना मारना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये मार। ये देख क्या रहे हो? मारो इन लोग को। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। ये तो खबरदार, ओ खबरदार बीड़े अब्दुल, हाथ लगा तो तेलु छना वाले, ओ छोड़ लू। ओ बीड़े अब्दुल, अरे तुम्हारी टप्पड़ इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करके बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। अरे मीका क्या लो? हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं आत्मानंद तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो भिड़े मास्टर। आपने गलत आदमी को पकड़ा है पांडे जी, असली गुड्डू खरीदा तो यहाँ पे। आजा, वो देख, ये। अरे 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 भाग सुनो भाई, अरे भाग सुनो। ये रोक, ये रोक, ये रोक। आये। कोई हिलेगा नहीं, सब पॉइजर लेके आओ। चल तेरा कोई पूछा नहीं करेगा। चल सीधा। हाँ अरे अरे हाँ बाबा। हाँ इधर लेके आओ। यो यार क्यों बंदूक देख के लकड़ी हिल गई? मारने वाला था ना ले मार। हैं? मारेगा मेरे को? पब्लिक को मारेगा? इज्जत से धंधा करते तो नींबू के बदले मिलते पैसा। लेकिन अब मिलेगा ठेका। देखो ये गलत कर रहे हो गुड्डू खटीला जी। अरे गलत तो तुम लोगों ने किया है पुलिस को बुलाकर। सॉरी सॉरी। हाँ नींबू की गोनिया किधर है? वो गाड़ी में रखे। अरे गाड़ी किधर है? वही जहाँ आपको थप्पड़ पड़ा था। ये वो
होशियारी मत कर। और जब तक मैं सारे नींबू लेके नहीं जाता ना, कोई लेगा नहीं इधर से। ओए, हम शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए। ओए खटीले, अब तेरी खैर नहीं, सोड़ी सोड़ी भाई, कंट्रोल। गलती से ट्रिगर दब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। इसके हाथ में गन है भाई, देखना। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग सुनिए, ये आजकल जो नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं ना, ये ऐसे आदमियों की वजह से। ये गुड्डू खटीला है, ये नींबू की जमाखोरी करता है। ये नींबू हमसे छीन कर लेके जाने वाला है और फिर उसी कालाबाजारी करेगा, इन्हें छोड़ना नहीं। ओ चना जोरगन वाले भाई साहब, आपके ठेले पे एक भी नींबू नहीं है और बिना नींबू के कोई खरीदता नहीं होगा ना। हाँ, ये ऐसे आदमी की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से मार्केट में नींबू नहीं मिल रहे। हाँ। बंदूक मेरे पास है और ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे। है? कौन करेगा? ए, तू करेगा? तू करेगा? तू करेगा? है? ये नकली बंदूक है क्या? अरे ये नकली कर, पकड़ो 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 पकड़ो। कोई नहीं हिलेगा। मैं नहीं चाहता कि सरकार की एक भी गोली वेस्ट हो किसी नींबू के जमाखोर पर। Oh my God! Oh my God! मास्टर जी, मैं क्या देख रहा हूँ? आप किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, देखिए ना, कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं? ए गप्पे, ए गप्पे! अरे पांडे जी, ये कोई महिला नहीं है, ये है गुड्डू खटीला, महिला की भेष में। ये देखो आप। हमें पता नहीं था कि तुम महिला ड्रेस में आ रहे हो, वरना हम किसी महिला कांस्टेबल को लेकर आते। पटेल, अरेस्ट हिम। रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स रिलैक्स। अरे आप क्यों है, पकड़ो इसको। अच्छा, ये लोग तीन हैं, इनको मत रिलैक्स करने दो, ये गुंडे। पता ही नहीं चलता आजकल गुंडे कौन है और शरीफ कौन है। सर, मतलब इस बार भी गोकुलधाम वालों ने केस सॉल्व कर दिया? हाँ जी, वो तो है। पटेल, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि इस महीने की सैलरी गोकुलधाम वासियों में बांट दे। क्यों पांडे जी? जब आप लोगों ने केस सॉल्व कर ही लिया है तो सैलरी लेकर मैं क्या करूंगा? अरे अरे पांडे जी, इस बार केस हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, अब पब्लिक के साथ मिलकर किया है। हाँ। और पांडे जी, केस किसने सॉल्व किया ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, केस सॉल्व हुआ ये इम्पोर्टेंट है। जब पुलिस और जनता मिलके काम करती है ना, तो बड़े से बड़ा मुजरिम पकड़ा जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट इज थैंकफुल टू यू ऑल, बट आई एम नॉट। पांडे जी, आप तो पर्सनल हो रहे हैं अभी। हाँ, मैं होऊंगा ही ना पर्सनल, प्रोफेशनली तो मुझे कुछ करने देते नहीं तुम लोग। तुम लोगों को पता है आज मैं कितना खुश था? आज मैं बासुंदी को जाकर कहने वाला था कि फाइनली
मैंने गोकुल धाम वासियों का केस सॉल्व कर लिया है। आज भी वो मुझ पर हंसेगी। वो क्यों हंसेगी? हंसेगी क्यों? जब भी बासुंदी को पता चलता है कि मैं गोकुल धाम वासियों का केस सॉल्व करने जा रहा हूँ तो हंसती है और कहती है, जाओ जी पांडे जी, आपसे ना हो पाएगा। आज वो सच हो गया। पांडे जी अभी जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास ये 350 किलो नींबू पड़े हैं गाड़ी में। हाँ। वो आप बिकवाने में मेरी मदद कर सकते हो? पाटिल। हाँ मैं बिकवा दूंगा सर। कैसे कैसे? वाशी की सब्जी मंडी में मेरे मामा होलसेलर हैं। वो आपके नींबू बिकवा देंगे। थैंक यू पटेल सर। वाह, गोकुल धाम वालों का केस खुद गोकुल धाम वालों ने सॉल्व कर लिया और भिड़े का पर्सनल प्रॉब्लम हमारे पाटिल साहब ने सॉल्व कर लिया और मैंने क्या किया? कुछ ना। अरे पांडे जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो मुंबई पुलिस हो और आज मुंबई पुलिस की वजह से ही हम आम जनता शांति और चैन की जिंदगी जी रहे हो कि नहीं? थैंक यू। भिड़े मास्टर, तुम्हारे सोसाइटी में जो बोर्ड है ना उस पर लिख दूंगा केस आपने सॉल्व किया। तुम नोटिस बोर्ड पर कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि मुझे झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, नहीं लिखूंगा। अच्छा पाटिल जी, वो हाँ, मैं आपको मेरे मामा का नंबर भेज देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। पाटिल, अगर तुम्हारा नींबू का व्यापार खत्म हो गया हो तो अरेस्ट देम। और उनके साथ कौन कौन था? आइए बैठे, चलो चलो, कम ऑन, क्विक 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 क्विक, डोंट वेस्ट टाइम हियर, कम ऑन मो। ए, क्या आराम से चलता है तुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माधवी सोनू अरे गणपति बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ति बोलिया। हा गणपति बाप्पा, थैंक यू वेरी मच। दिवा टेंशन गेलो रे गेलो, आपकी कृपा से सब संकट दूर हो गया। पापा, मैं आपको नींबू शरबत पिलाऊंगी। अरे नींबू शरबत दे वाला एंड्रा लोगों का, उनकी कृपा से सब अच्छा हुआ है। इसे माधवी सोनू, मैं तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारा का एक्चुअली हम तीनों टेंशन में थे, मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में था, लेकिन तुम दोनों ने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल नहीं छोड़ा, इसलिए थैंक यू। बाबा मैंने कहा था ना सब अच्छा होगा। ओहो, अच्छा हमें बताइए ना, वहाँ डील अच्छे से हुई ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे वो तो जबरदस्त किस्सा है। हाँ? आओ सुनो तो। आओ, ऐसा क्या हुआ है? अरे आओ सुन के बहुत मजा आने वाला तुम लोगों को। हाँ एकदम। बताइए क्या हुआ। हम लोग यहाँ से निकले, तो क्या क्या सोच रहे थे, किसने भेजे? शेट्टी अंडा ने भेजे थे। हाँ? और जितने भी नींबू भेजे थे सारे हमारे हक के ही थे। शेट्टी अंकल पहले बता देते ना तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। वही बातें सुनो बाड़ा, अंत भला तो सब भला। क्या करे, मानना पड़ेगा शेट्टी भाई को, नींबू के जरिए सही लेकिन उधारी पूरी चुका दी उन्होंने फाइनली। नहीं अरे ज्यादा माधवी, शेट्टी अंडा से जितने पैसे लेने थे ना नींबू बेच के उससे 10,000 रूपए ज्यादा मिले। सगड़ी अच्छी की मैं। अरे बाबा, आपको शेट्टी अंकल को कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ बराबर है, अभी फोन करता हूँ। बोलिए बेटी अंडा, सारे नींबू बिक गए ना? हाँ वही बताने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए फोन किया, सारे नींबू बिक गए, थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, आपको उधारी बाकी था तो मेरे को चुकाना ही पड़ेगा ना। हाँ देता रहा है बराबर। नंद्री थैंक यू वेरी मच। ओके मानना पड़ेगा, ये शेट्टी अंडा है बड़े ईमानदार इंसान। आहो, ईमानदार इंसानों को ईमानदार इंसान ही मिलते हैं। हाँ
अगदी बरोबर आहे. मैंने तय कर लिया, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इस संडे होटल में खाना खाने जाएंगे. मेरे फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट चले. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मित्र हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था और क्या हुआ, ठीक वैसे ही जैसे चिलचिलाती गर्मी में अचानक बर्फबारी हो जाए. लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है और जिंदगी का पल्ला इसी तरह से बस बराबरी पे रहता है और यही गोकुल धाम है. अब गोकुल धाम के लोग किस तरह से आप जानते हैं मुसीबतों से जूझते हैं, किस तरह से समस्याओं का हल निकालते हैं, अब देखना है कि कल की सुबह यहाँ क्या हंगामे लेके आती है, किस तरह से गोकुल धाम निवासी नई मुसीबतों का सामना करते हैं, किस तरह से हंगामे करते हैं. लेकिन सोचिए मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.